और भी और क्या है? और क्या कर रहा है फिर? बस क्या करना, बोर हो रहा हूँ यार, कुछ काम करने को है नहीं, तो बोर हो रहा हूँ। और तू क्या कर रहा है? सेम यार सेम, मैं भी घर पे बोर रहा था, ऊपर से बाहर इतनी ठंड है, तो सोचा कुछ नहीं, बस तेरे पास आ गया फिर। अच्छा एक मेरे पास एक आइडिया है, पता क्या? क्या? हम लोग बोर तो हो ही रहे हैं इतनी देर से, ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि मेरे घर चलते हैं, तो अपने पेरेंट्स से 100 रुपीज़ तक ले ले, मेरे पास भी 100 रुपीज़ तक पड़े हैं, ठीक है, तो मेरे घर जाते हैं और अपनी फेवरेट और हैरी पॉटर वाली मूवी देखते हैं। क्यों? अरे सर, अपनी तो हैरी पॉटर और फेवरेट मूवी है। क्यों भाई? बढ़िया यार, ऊपर से पर मेरा एक सीन है भाई, देख है ना, मेरे पास है पॉकेट मनी के पैसे बिल्कुल खत्म, ठीक है, पिछले हफ्ते जो हमने वो 200 रुपए की पार्टी नहीं करी थी, 200 रुपए की पार्टी नहीं करी थी वो हमने, 200 रुपए की पार्टी वो कब करी थी? अबे जी जी, ज्यादा नहीं पीली थी उस दिन जब मैं तेरे को कंधे पे बिठा के लेके गया था तेरे घर पे पिछले हफ्ते, यार तूने बहुत ज्यादा पीली थी भाई, मेरे को पता है मैंने तेरे को कैसे संभाला था, पूरे नशेड़ियों की तरह भाई, एक दूसरे को छेड़े जा रहा, वहां लड़की वहां बैठी हुई, वहां लगा हुआ उसको छेड़ने, क्या मजे आ गया पर भाई, मजे बहुत आए थे भाई उस दिन। क्यों? अच्छा वो वाला दिन ले भाई, उस दिन बहुत मजा आया भाई, कुछ भी बोल, बेशक कुछ भी, जो भी हरकतें करी थी हमने, लेकिन भाई मजे पूरे किए थे। क्यों भाई? मजाक नहीं, मेरा तो भाई फिर से मजे करने का मन कर रहा है भाई, एक और बार ही अभी अपने पेरेंट्स को बोल, अभी तेरे पेरेंट्स ठीक तो है, दे देंगे तेरे को 100 रुपीज, बेशक 200 रुपए पहले खा लिए थे, कोई चक्कर नहीं, 100 रुपए इस बार ले ले अपने पॉकेट मनी के, इस बार दे दो, अगली बार नहीं मांगूंगा बस। हाँ तेरे को पता ना मेरे पेरेंट्स के बारे में कि वो देंगे कि नहीं देंगे, चल फिर भी तू बोल रहा है तो एक बार ट्राई करके देखेंगे, और फिर तेरे घर जाके भाई पार्टी करेंगे, हैरी पॉटर की सीरीज देखेंगे, क्यों मजे से, ऊपर से बहुत ठंड भी बहुत होगी, और भाई अपनी तो हरमाइनी फेवरेट है यार। क्यों? एमा वॉटसन के फैन है? नहीं यार भाई, पर मेरे को तो जिनी बीजली भी अच्छी, जो वो है नहीं, और रॉन बीजली की बहन भाई, हाँ मतलब मजा आता भाई, दिल को सुकून मिल जाता कि भाई कुछ तो अच्छा देखा भाई पूरे दिन में, क्यों भाई एमा वॉटसन जैसी इतनी, मतलब इतने अच्छे है भाई, बोलो मजा आता भाई। क्या? बस अपनी घर का भी बता के रख, देखेंगे मजे से हैरी पॉटर की पूरी मूवी, अभी पहले पैसे मिल जाए उसके बाद देख तो मजे करेंगे भाई पूरे। क्यों? पापा से मांग लेता हूँ, 100 रुपीज़ तक बोल दूंगा कि 100 रुपीज़ तक दे दो एटलीस्ट, बाकी देखा जाएगा, एक बार मांग कोशिश करता हूँ, ठीक है मांगने की। हाँ हाँ कोशिश तो कर ले तू एक बार ही, तेरे पापा आएंगे तो पूछ लियो, वरना मेरे पास ही 100 रुपए पड़े हैं, देख लेंगे उसी से, देख लेंगे कुछ खाने पीने का। क्यों? नमस्ते अंकल। नमस्ते 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 बेटा नमस्ते, और घर में कैसे हैं सब लोग? घर में सब ठीक है अंकल, घर में सब ठीक है, और आप कैसे हो अंकल? मैं ठीक हूँ बेटा, मैं ठीक हूँ, और आप कैसे हो बेटा? मैं भी ठीक हूँ अंकल। अच्छा पापा सुनो। हाँ बेटा बोलो। वैसे क्या कर रहे हो आप? कुछ नहीं, हिसाब किताब देख रहा हूँ। पापा वो मेरे को ना कुछ पैसे चाहिए थे। कितने? वो बस ज्यादा नहीं, 100 रुपीज। हाँ 100 रुपीज, इतने किस बात के चाहिए तेरे को? तो जी वो एक्चुअली ना हम लोगों ने पार्टी करनी थी मेरे घर पे, तो हम लोग सोच रहे थे कि मेरे घर पे मूवी देखेंगे और पार्टी करेंगे। पागल है क्या? सॉरी पार्टी करने के लिए? बताऊं मार को भी, दोनों को पागल कहीं के, दोनों पिछले हफ्ते 200 रुपए दिए थे, वो कहां है तुम्हारे पॉकेट मनी के? हैं नहीं, वो पिछले हफ्ते वाले वो मेरे दोस्त का बर्थडे था, तो सब लोगों ने कंट्रीब्यूट करे, तो इसलिए 100 रुपीज तो बनते। अब मैं ही पैसे ना लेके आऊँ, बाकी सारे इतने पैसे लेके आए तो फिर अच्छा नहीं लगता ना पापा, तो फिर इसी तरह से 200 रुपीज पहले के हमने लगा दिए थे। वो सब मेरे को नहीं पता, वो सब तुम लोग देखो, मैंने दिए थे 200 रुपए, मेरे को नहीं पता तुमने कहां लगाए, क्या करे क्या करा उसका, वो भी इतनी बड़ी पार्टी तो है नहीं, 200 रुपए में हमें पता नहीं कितना सा क्या कर दूंगा, तू मेरे से 100 रुपए मांग रहा है, तेरे को पता पुराने जमाने में 1 रुपए 100 रुपए के बराबर था, और मेरे से तू 100 रुपए मांग रहा है, अब अगर तू अभी 100 रुपए मांग रहा है, मेरे जमाने में अपने पापा से 100 रुपए मांगता तो इस वक्त, मतलब ये समझ ले कि 1 रुपया अगर 100 रुपए के बराबर है, तो मैं अपने पापा से अगर पहले 100 रुपए मांगता तो 10,000 रुपए के बराबर होता, वो 10,000 रुपए के पता कितने होते 10,000 रुपए, इतना तेरा घर का पूरा लोन चुकाना, ये वो सोफ लाना डिमकाना, एक तो तू पढ़ता नहीं, ये वो पता नहीं, पिछली बारी पेरेंट्स मीटिंग में तूने क्या हाल कराया मेरा, मेरे को पता है ना टीचर ने मेरे को क्या क्या सुना है, ऊपर से 100 रुपए मांग रहा है, तेरे को भी 100 रुपए और पार्टी करने के लिए, तब तो बिल्कुल तेरे को मैं बार दे दो यार प्लीज, मतलब अगली बारी नहीं मांगूंगा, इस बार अगर आप 100 रुपीज दे दोगे तो ऐसा कुछ बड़ी बात तो नहीं होगी यार। मम्मी आ गई। क्या हुआ तुम लोगों को, तुम किस बात पे लड़े जा रहे हो इतनी देर से? कुछ नहीं मम्मी, यार पापा मेरे को 100 रुपए नहीं दे रहे, मैं इतनी देर से मांगे जा रहा हूँ, हम लोग मतलब कुछ थोड़ा बहुत ऐसे फन करने के लिए हम लोग यहाँ पे बोर हो रहे थे, तो इस वजह से मैं 100 रुपीज मांग रहा था, और पापा अपनी पुरानी स्टोरी बताए जा रहे हैं, ये यार अब बड़े हो चुके हैं हम लोग, अब इतना तो चलता है ना, 100 रुपीज देना तो चलता रहता है, तो पापा दे नहीं रहे, अब आप ही समझाओ पापा को, पापा दे नहीं रहे मुझे। अच्छा इस बात पे हो जा रही है तुम्हारी लड़ाई, अरे दे दो इन्हें, बच्चे हैं अभी मस्ती नहीं करेंगे तो फिर कब मस्ती करेंगे, दे दो इन्हें पैसे, 100 रुपीज ही तो मांग रहे हैं, कौन सा पहाड़ टूट पड़ा, सिर्फ 100 रुपीज तो दे दो इन्हें पर। यार मम्मी अब आप ही समझाओ, मैं इतनी देर से वही चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ बताओ तुम्हारे को, मैं अभी देना मैंने उसको भी पैसे,
वो भी 100 रुपए, और तेरे को ज्यादा है तो तू दे दे इसको पैसे अपने लाडले को, ज्यादा दे इसको पैसे। मैं पैसे मैं कैसे पैसे दे सकती हूँ? मेरे ख्याल से आप सही कह रहे हैं, इन बच्चों को अभी 100 रुपीज की कोई जरूरत वरूरत है नहीं, तो मैं चलती हूँ, ठीक है? तुम लोग अपना देखते रहो, हाँ इसको बिल्कुल पैसे मत देना, हाँ है ना, इसको ये बिगड़ जाएगा लड़का। चलो मैं चलती हूँ, मैं बहुत काम है तो मैं खाना बना के आती हूँ। मम्मी कम से कम आप तो साथ दे दो यार। क्या यार? हाँ देख ले अपनी मम्मी को, अभी मेरे को भाषण सुना रही थी और अभी खुद ही चलेगी किचन में है खाना बनाने के बहाने से। इसको सुबह को डिनर करना है, देखो। देख फोन भी आ गया यहाँ पर। हाँ हेलो, हाँ गुप्ता जी, हाँ जी, अरे शादी मुबारक गुप्ता जी, शादी मुबारक। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, नहीं नहीं बहुत होनहार लड़की है जी आपकी। हाँ जी हाँ जी, नहीं मतलब नहीं पता ही नहीं चलता ना जी। हाँ जी हाँ जी, नहीं बच्चे कब बड़े हो गए हैं ना पता ही नहीं चलता है ना कुछ नहीं। बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया, कहाँ लगा जी रिश्ता? बहुत बढ़िया जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी। अच्छा 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल हम आएंगे आज, आ जाना ना जी बिल्कुल। कितने बजे तक? अच्छा आज थोड़ी देर, अच्छा आधे घंटे में। ओह जी बिल्कुल बिल्कुल हम जरूर आएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ठीक है गुप्ता, ठीक है, ओके 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 गुप्ता जी। हाँ अब तुम दोनों अब का कोई कोई पार्टी वार्टी नहीं होगी, पार्टी होगी अब शादी में। कौन सी पार्टी शादी में होती है यार, हम लोग इसके घर जाने वाले थे, 100 रुपए की पार्टी वहां पर, यार आपको शगुन देना पड़ेगा इतना कुछ यार, हमें 100 रुपए दे दो ना यार। पापा क्या जा रहा है आपका? बेटा तुम लोग मेरे से 100 रुपीज मांग रहे हो, और जो वो उधर वो क्या बोलते हैं शादी में जाएंगे हम लोग, वहाँ शादी में सिर्फ 50 रुपए मैंने उसमें क्या बोलते हैं एनवलप, हाँ वो एनवलप में डालने मैंने साथ में 1 रुपए का शगुन छुड़ा देना। ले 50 रुपए, लो 50 रुपए नहीं 49 रुपीज बचेंगे, देखते रहे तो है। और ऊपर से हम लोग वहाँ पर वो शादी में जाएंगे, कड़ी चावल खाएंगे, कड़ी चावल है, कड़ी चावल खाएंगे हम लोग। और वो सुना गाना, काली से फूल उगाओ और फिर फूल से फल, इसी से फिर बनेंगे कड़ी चावल। और पापा रुक जाओ बेटा, जल्दी जल्दी जाना भी उसके बाद, चलो 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 चलो। कहाँ हम लोग हरमाइनी ग्रेंजर, एमा वॉटसन और जिनी के सपने ले रहे थे, और जहाँ उस वोल्डेमॉर्ट की शक्ल देख, वो गुप्ता की वो बहन, बहन नहीं सॉरी वो बेटी, उसकी तो नाक ही नहीं है, वोल्डेमॉर्ट जैसी दिखती है। जा देख, मैं सोचा था एमा वॉटसन देखेंगे, वोल्डेमॉर्ट की शक्ल जाती है। जा मैं जा रहा हूँ, बाय। मेरे साथ ही मैं चाहता होता यार।